ज्वेलरी शॉप में ध्यान भटकाकर उठाईगिरी करने वाले महिलाओं के गिरोह को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर 1,50,000 रुपए बरामद कर लिया है। इन महिलाओं सहित 4 आरोपी नागपुर महराज से गिरफ्तार किए गए हैं। ठग गिरोह ने सरगुजा के गांधीनगर स्थित सोनी ज्वेलर से ज्वेलरी संचालक को चकमा देकर सोने के जेवर लेकर पार कर दिए थे। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में नाबालिग को अपहरणकर्ताओं से बचाने गए शख्स ने ही उसके साथ रेप कर लिया। झारखंड थाना पुलिस ने अपहरण और रेप के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपराध में शामिल एक फरार महिला की तलाश जारी है। मुंगेली जिले के सरगांव थाना पुलिस ने ग्राम रामगोड़ में स्थित वासुदेव ट्रेड लिंक नामक स्पंज आयरन कंपनी के संचालक संजय अग्रवाल की शिकायत पर दूसरी स्पंज आयरन खोलने के नाम पर 1,20,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले महराज निवासी आरोपी अनिल गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ के लिए स्पेशल कोर्ट ने 12 दिन की ईडी की रिमांड को मंजूरी दे दी है। सूर्यकांत ने शनिवार को शाम कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद ईडी की ओर से वकील ने पूछताछ व छापे से संबंधित साक्ष्य जुटाने के लिए रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आरंग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसला स्थित खदान में 4 वर्ष पूर्व मिले एक नर कंकाल की गुत्थी को सुलझाकर डीएनए टेस्ट से मिले सुराग के आधार पर महिला के पति देवचंद कुर्रे, देवर देवदास कुर्रे व तेजराम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल ग्रैंड हिलन फ्लाई के 7वें फ्लोर के रेस्टोरेंट में हुए प्राण घातक हमले के आरोपी प्रभास सोनी को पकड़ने में सुपेला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी प्रशांत सोनी अपने साथियों रौनक दुबे, फैज गिरानी, लक्की के साथ मिलकर प्रार्थना के ऊपर लोहे की कुर्सी एवं बाटलों से प्राण घर तक हमला कर गंभीर चोटी पहुंचाई थी। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित राहुल पेट्रोल पंप में खड़ी 12 चक्का ट्रक चोरी होने के मामले में जामुल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर एक सप्ताह बाद सिलपरा रायपुर से उसे बरामद कर लिया है। रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को तार बार पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। तार बार थाना पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी विजय विल्सन को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मरों की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा ट्रांसफार्मरों की चोरी कर तांबा का तार निकालकर बिक्री किया जाता था। उनके पास से घटना में प्रयुक्त टाटा एस वाहन, पल्सर मोटरसाइकिल और ट्रांसफार्मर का तांबा, 83 किलो तार तथा नगद 9,000 रुपए बरामद किया गया है। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटिंदा बांधा में मुख्य मार्ग में शनिवार को पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप चालक घटना के बाद वाहन छोड़कर फरार हो गया है। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग में खड़े एक हाईवा से टकरा कर बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वर्तमान में बगदेवा से लेकर पत्रपाली कटोरा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान अनेक वाहन सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इससे एक दुर्घटना होने पर कई लोगों की जान जा चुकी है। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों की हत्या के बाद फिर एक युवक का शव शनिवार को मोहल्ला थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरखार के पास मिला। पहचान मानपुर निवासी होटल व्यवसायी रोमन नेताम के रूप में की गई है, जिसकी अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पीटीएस राजनांदगांव के सामने सड़क हादसे में डोंगरगढ़ सिख समाज के अध्यक्ष और उनके बेटे की मौत हो गई। हादसे में उनकी बहू को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में
प्राथमिक उपचार के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भिलाई से रायपुर रेफर कर दिया गया। तीनों शादी का कार्ड बांटने डोंगरगढ़ से निकले थे। जगदलपुर में पत्रकार रितेश पांडे पर जानलेवा हमला करने और उनसे पैसा मोबाइल लूटने वाले तीन आरोपियों को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनमें से दो नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से तीन चाकू, लूट के पैसे, एटीएम समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। कांकेर जिले में धान खरीदी शुरू होने के पहले ही धान की हेराफेरी शुरू हुई। पखांजूर में बड़गांव चेक पोस्ट में मंडी विभाग ने 3 ट्रक 9 लाख का धान खोला है। इस धान को चोरी छुपे रात में ले जाया जा रहा था। ट्रक में बांदे के बबलू व्यापारी का 30 टन, बाबा ट्रेडर्स पखांजूर का 13 टन, निर्मल व्यापारी बांदे का 20 टन धान भरा हुआ था। महासमुंद जिले की तुमगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पशु आहार लिखे बोरे में देसी व अंग्रेजी शराब का बिना नंबर की बाइक से अवैध परिवहन करने वाले दो युवक प्रदुम नायक व धर्मदास मानिकपुरी को NH-53 हाईवे पेट्रोलिंग भवन के सामने गिरफ्तार किया गया है। के पास से टीम ने 30,000 रूपए कीमत का 170 पाव अंग्रेजी व देसी प्लेन शराब जब्त किया है। महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 353 ग्राम बेलसोड़ा के पास दो कार आपस में भिड़ गई। वही पीछे से आ रही कार व चालक हादसे को देखकर आनंदित हो गए और अपने आप व सवार को बचाने के लिए चालक ने गाड़ी खेत में उतार दी। इससे सवार बार बार बच गए, लेकिन आपस में भिड़ी कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। छावनी थाना क्षेत्र में नवीन गुप्ता नाम का व्यक्ति किराना दुकान में शराब रखकर बेच रहा था। मोहल्ले के लोग शिकायत करते तो मदिरा प्रेमियों से उन्हें धमकी दिलवाता। इससे ग्रस्त होकर शनिवार को बड़ी संख्याओं में महिलाओं और लोगों ने छावनी थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने नवीन गुप्ता के दुकान में छापा मारकर अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है।